तो आपने अभी तक कॉरपोरेट्स और एमएनसीज में इसका उपयोग किया है, राइट? बोथ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर. यस, ठीक ना? तो उसके बारे में कुछ बताइए. सर, इंडिविजुअल लेवल पे तो आप ये कह लीजिए कि जो जूनियर मोस्ट एसोसिएट होता है किसी कंपनी में, वहाँ से लेकर सीईओ तक जो कि टॉप लेवल पे होता है, वो बिल्कुल कंसल्ट करते हैं. बहुत इसको मतलब मानते भी हैं, काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं, फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हेल्पफुल रहता है करियर प्लानिंग के लिए. करियर प्रेडिक्टिव हो जाता है तो एक मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है. इवन कुछ साल काम करने के बाद अगर ये बता दिया जाए कि यार आप तो उस करियर के लिए ज़्यादा आप सूटेबल हो, तो वो फिर करियर स्विच करने में, इवन कुछ लोग जॉब को छोड़ के बिजनेस करते हैं, वो उसके लिए भी एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई यू आर मेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, देन यू कैन गो फॉर इट. तो ऑर्गेनाइजेशनल, तो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे बात हुई. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सर, मैंने 2010 में एक प्रोग्राम डेवलप किया था, उसका नाम था ह्यूमन स्वॉट. ह्यूमन स्वॉट, SWOT. तो स्वॉट बेसिकली सर ये एक मैनेजमेंट टर्म है. क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी या एक कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है ये अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से और अपने प्रोडक्ट का दोनों को एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो उसका एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं. स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स. स्वॉट. तो इसमें एक ये अभी तक जो स्वॉट एनालिसिस करी गई है ये या तो प्रोडक्ट्स की करी गई है या कंपनीज की करी गई है, जिसमें एक एक प्रोडक्ट का जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट निकाला जाता है. सिमिलरली मैंने इसी स्वॉट कॉन्सेप्ट को ह्यूमन से जोड़ा कि अगर एक जो ह्यूमन है, एक इंसान है जो कि कंपनी में रिक्रूट होना है या हो गया है, उसका एक स्वॉट एनालिसिस कि इस इंसान की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं. और इसका अगर मैं एप्लीकेशन आपको बताऊं, इसकी एप्लीकेशन हमने इतनी अच्छी करी थी कि बिफोर द कैंडिडेट हैज़ कम फॉर द इंटरव्यू, उससे पहले ही हम इंटरव्यूअर को उसकी स्वॉट एनालिसिस शेयर कर देते थे कि ये जो कैंडिडेट आपसे अभी इंटरव्यू में आने वाला है उसकी ये फला फला स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेस है. तो वो स्ट्रेंथ वीकनेस को माइंड में रख के ही अपने क्वेश्चंस उसी तरह डायरेक्ट कर देता था जो रिक्रूटर होता था या हायरिंग मैनेजर होता था, ताकि वो वैलिडेशन हो जाए कि भाई ये जो पर्सनैलिटी है, भाई एप्टीट्यूड तो देखा जाएगा कि उसने ये डिग्री करी है या इतने परसेंटेज है, वो तो एप्टीट्यूड वो रिज्यूमे से निकल आएगा और टेक्निकल क्वेश्चन या जो उसके जो हार्ड स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन है उससे निकल जाएगा. लेकिन जो हम एटीट्यूड की बात करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करते हैं, वो हम पहले प्रोवाइड कर देते थे. अच्छा. इंटरव्यूअर को और हायरिंग मैनेजर को. तो वो उससे क्या हुआ कि एक तो श्योरिटी हो गई कि भाई ये पर्सनैलिटी इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं. क्योंकि जैसे अगर किसी की पर्सनैलिटी हमने पूरी किसी को मतलब हायरिंग मैनेजर को या रिक्रूटर को दी है और उन्होंने साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन भी रखी कि अगर सेल्स प्रोफाइल है तो क्या ये पर्सनैलिटी सेल्स के लिए सूटेबल है, अगर बैक एंड प्रोफाइल है मतलब अगर उसको पीछे बैठ के काम करना है तो ये पर्सनैलिटी उसके लिए सूटेबल है. तो ये वैलिडेशन हमने प्रोवाइड कर दी थी, तो ये उनको एक एक हेल्प मिल जाती थी. तो बेसिकली हम एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देते थे और एटीट्यूड को ही बेसिस मान के स्वॉट रिपोर्ट बना के देते थे. सेकेंडली, अब ये तो सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात हो गई. देख, दूसरा जो हमने प्रोग्राम को हमने जो लॉन्च किया था वो किया था कि जो प्रमोशंस होती हैं या एक कंपनी किसी एम्प्लॉई में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर कि भाई अगर हम आज किसी एम्प्लॉई को फला फला कोर्स में भेजेंगे या और आगे इन्वेस्ट करेंगे, ग्लोबल एक्सपीरियंस देंगे, तो क्या फ्यूचर में ये अच्छा लीडर बन पाएगा, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर पाएगा. ओके. तो हम क्या करते थे, हम एचआर को जो उनके लिस्ट
होती थी कि भाई ये प्रोबेबल रिसोर्सेज हैं जो कि इस साल प्रमोट होंगे और उसके बाद सीधा टीम मैनेजर बन जाएंगे या एक बड़े रोल के लिए हम तैयार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम बता देते थे कि भाई कि इस पर्सनालिटी में क्या ये पोटेंशियल है कि आगे जाके एक अच्छा लीडर तैयार हो सकता है या आगे जाके अच्छा मैनेजर तैयार हो सकता है, आप अभी इन्वेस्ट करो कि ना करो। तो इवेंचुअली आप देखो तो ये ना एक बहुत अच्छा एक एफिशिएंसी टूल बन गया, कॉस्ट एफिशिएंसी टूल बन गया कि इवन कंपनी इज ऑल्सो श्योर एंड सर्टेन कि भाई मैं ये एम्प्लॉई पे इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। वेरी ट्रू, कॉस्ट भी बच गई उससे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ गई। तो ये हमने लाइक आई सेड 2010 से शुरू किया था। ऑनेस्टली कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इनफॉर्मली हमसे ये सर्विसेज ली विदाउट टेलिंग देयर रीजनल ऑफिसेज इन यूरोप एंड यूएस, और कुछ ने इंडिविजुअल लेवल पे तो खैर बहुत सारे लोग हैं जो कंसल्टिंग लेते हैं। क्या बात। लेकिन वही है जैसा मैंने बोला कि इसको एक स्टैंडर्डाइज होने के लिए, एक फॉर्मलाइज करने के लिए आई थिंक MNC इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका और यूरोप जहाँ भी उनका रीजनल ऑफिस है। अच्छा, ये एक डिपेंडेंसी है, वो हो जाएगा आई एम श्योर। इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन देखो निपुण, इत्तेफाक से एक अंग्रेजी में एक कोटेशन दिमाग में आ रहा है, इट्स इन इंग्लिश, कहते हैं कि थिंकिंग ऑफ द पास्ट ब्रिंग्स टीयर्स, थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर ब्रिंग्स फियर्स, एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट ब्रिंग्स चीयर्स। एग्जैक्टली सर। तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना, ऑब्सेस करना फ्यूचर के बारे में ऑल द टाइम, ये इंसान को टेंशन में डाल सकता है? सर, आई टू बिलीव इन दिस कोट। अच्छा। क्योंकि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑलवेज आई थिंक द बेस्ट वे टू लिव। या एग्जैक्टली। बट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर्स विल ब्रिंग फियर्स ओनली इफ द फ्यूचर इज अनसर्टेन, वेयर एज इन प्रिडिक्ट टू प्लान द होल आइडिया इज टू फर्स्ट मेक यू फील certain about your own self, okay, and then be certain about the future. All right. Only I think that is the stage when you can happily live in the moment, kyunki aap jab tak sure aur certain nahi hoge to aap present enjoy nahi kar paoge. Aur agar hum dhyan se samjhe to predict to plan is basically giving a foresight, ek doordarshita de rahi hai, and nowhere it is making a person to think about future again and again. Okay. So jo aapne quote bola, I think that does not apply to predict to plan. Magar gustakhi maaf, aapse puchna chahta hu ki what about the role of positive thinking? Aapke khayal mein ki positive thinking also helps in transforming things and making life better? Bilkul. बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स, बट इन रियलिटी इफ यू सी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, देयर इज नो ह्यूमन ऑन दिस अर्थ हु कैन बी पॉजिटिव इवन एट द टाइम्स ऑफ स्ट्रगल और एनी ह्यूज लॉस और अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, बट यस दैट पर्सन कैन बी सर्टेन अबाउट द टाइम कमिंग अहेड। अच्छा, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ड्यूरिंग द बैड टाइम्स कुछ लोग सर्टेन होते हैं कि यार अभी तो मेरा टाइम खराब है लेकिन आई एम श्योर कि आगे जाके तो मैं करेक्ट अच्छा टाइम है। तो हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग का नाम नहीं दे सकते, हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक सर्टेनिटी है, ये एक सर्टेन थिंकिंग है कि भाई टाइम खराब है लेकिन आगे जो है अच्छा हो जाएगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग और सर्टेन थिंकिंग में बहुत बहुत फर्क है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है तो सर, पॉजिटिव थिंकिंग तो एक डेली प्रोसेस है जो हम छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढते हैं। जैसे मैं खुद जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस करता हूँ और जो लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ जो मेडिटेट करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो वो
आपने भी वो किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि एक पॉजिटिविटी आ जाती है. अच्छा. आप डीप ब्रीदिंग में जाएं या मेडिटेशन में जाएं, तो आप वो वही वाइब्रेशंस, वही एनर्जी सामने वाले को देते हैं, विच इवेंचुअली कम्स बैक टू यू. तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग का रोल है, जो एक डेली प्रोसेस है कि आप पॉजिटिव रहते हो. बट फॉर बिग इवेंट्स इन लाइफ अलोन पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट एग्जिस्ट. ओके. आई थिंक ईदर यू आर कन्फ्यूज्ड और यू आर सर्टेन. तो आपने ये मेडिटेशन और योगा की बात की, तो अकॉर्डिंग टू यू इनका क्या महत्व है? सर, बहुत ज़्यादा महत्व है. और जैसा मैंने पहले भी बोला कि एक डेली क्लिंजिंग प्रोसेस है आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एनर्जीज़ को बैलेंस करने का. नेगेटिविटी जो होती है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है. लेकिन अगेन, प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन मस्ट बिगिन आफ्टर यू डिस्कवर योरसेल्फ एंड यू आर सर्टेन अबाउट फ्यूचर. तो जब उस लेवल पे मेडिटेशन होती है ना सर, तो वो अलग ही उसका एक आनंद आ जाता है. बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, वेरी नाइस. तो अगर हम आपसे ये पूछें कि एज अ लाइफ कोच आप लाइफ को किस तरह देखते हैं या डिफाइन करते हैं, तो बताइए. देखिए सर, अकॉर्डिंग टू मी लाइफ तीन एस्पेक्ट्स से देखी जाती है और देखी जानी भी चाहिए. 3D व्यू समझ लीजिए, 3D व्यू से देखिए. थ्री डायमेंशनल. ओके. एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट, और तीसरा मिस्टिकल. और मिस्टिकल को थोड़ा और मैं डिटेल में समझाऊं, जिसको हम कहते हैं गहन है, छुपा हुआ, जो दिखाई ना दे बट एग्जिस्ट करे. अब तीनों का जो इम्पोर्टेंस है ना सर, वो इक्वल है. अब पहले दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल और इमोशनल, वो या तो एक्सपीरियंसेस के साथ समझ आ जाते हैं या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आदमी सीख लेता है. लेकिन जो थर्ड एस्पेक्ट है मिस्टिकल, वो मोस्टली कंफ्यूज रखता है. छोटे छोटे सवाल जो है उनका जवाब नहीं मिल पाता. जैसे कि सिंपल है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है, मेरे साथ ही क्यों ये सिचुएशन आई. और ये जो क्वेश्चन होता है ना कि मेरे साथ क्यों सिचुएशन आई, वो तभी आता है, मोस्टली तभी आता है जब आप कोई भी बुरी सिचुएशन में हो, कोई हादसा. मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, सब मेरे भी दोस्त हैं, वो खुश हैं, सब हैं, बट मेरे साथ ही क्यों. या एक सवाल आ जाता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. अच्छा, एक और बहुत कॉमन एक सवाल आता है कि मेरी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, मतलब मेरे जो दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं या जिन्होंने सेम पढ़ाई करी है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता. मैं पीछे क्यों रह गया. तो ये पीछे वाला ही सोचता है, आगे वाले नहीं सोचते, जो नॉर्मली जो हो जाता है. इवन होता है कि यार मेरा रिलेशनशिप क्यों फेल हो गया. तो अब ये जो सारे सवाल हैं, ये मैं एक मिस्टिकल रीजन कैटेगरी में डालूंगा. उसी वो एक रीज़न बन जाएगा कि इसका रीज़न मिस्टिकल है, कि किसी को समझ नहीं आ रहा ये हो जा रहा है. और यही क्वेश्चन है जो प्रिडिक्ट टू प्लान से बेटर आंसर किए जाते हैं. तो आपका मतलब है कि जो एस्ट्रोलॉजी है या किसी भी तरह की मिस्टिकल साइंस है, तो उसका प्रभाव सिर्फ 1/3 रहता है. बिल्कुल सर, क्योंकि आप ये मान लें कि कोई भी प्रिडिक्टिव या एस्ट्रोलॉजी सिस्टम हो, कोई भी हो, चाहे जितना भी एक्यूरेट हो, उसका मतलब चाहे वो 100% एक्यूरेट हो, फॉर एग्जांपल, उसका रोल जो रहेगा ना सर, वो 1/3 रहेगा, यानी 33% रहेगा. ऐसा नहीं है कि बस प्रिडिक्शन हो गई और सेल्फ अवेयरनेस हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी बात करी है, तो आई थिंक आपने सही क्वेश्चन पुटअप किया. क्योंकि बाकी जो 67% है, जो रिमेनिंग लाइफ में जो एक 100% करने वाली चीज़ है, वो जैसा मैंने बोला प्रैक्टिकल और इमोशनल आपके एस्पेक्ट भी है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करते हो,
किस तरह आप ऑब्जर्व करते हो, किस तरह अपने प्रैक्टिकलिटीज आप अप्लाई करते हो जो आपकी लर्निंग्स हैं, और EQ इमोशनल क्वेश्चन कैसा है आपका, अच्छा जज्बाती नज़रिया और आपका क्रिएटिव साइड, तो इन दोनों का भी 33% रोल रहता है. ओके, तो पुट टुगेदर ये 100% हो जाता है. तो ये तो हुजूर उन लोगों के लिए बड़ी बुरी खबर है जो ये सोचते हैं या उम्मीद रखते हैं कि एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर या फॉर्चून टेलर उनकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. उनके लिए तो बड़ी बुरी खबर है साहब. बिल्कुल. वेरी नाइस, बहुत खूब. सच कहूँ तो मुझे वाकई बहुत मज़ा आया आपकी विचारधारा को जानकर. थैंक यू सर. और एक बात आपको और कह दूँ, आपने हर सवाल का बहुत बढ़िया जवाब दिया. थैंक यू. और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नई जनरेशन से भी काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिला है. अरे सर. और सीखना चाहिए हमें आप लोगों से. और आपका ये प्रिडिक्ट टू प्लान का जो कॉन्सेप्ट है, सच में ये मेरे लिए तो एक आई ओपनर है, और उन लोगों के लिए भी जो गाइडेंस ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. लेकिन एक पर्सनल सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा. बिल्कुल सर, पूछिए. कि अभी तक आपने जो जर्नी तय की है, अभी तो आपकी उम्र कोई 30-32 से ज़्यादा नहीं होगी. हाँ सर. तो आपने खुद को एज अ लाइफ कोच कब डिस्कवर किया? अच्छा, ये तो आपने बहुत मेरी लाइफ जर्नी आपने पूछी सर. नहीं नहीं, ज़रूर मैं जानना चाहूँगा भाई, आपसे बड़ा हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं सर, आपने इतनी तारीफ कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा. नहीं नहीं, तारीफ बहुत काबिल है. बहुत बहुत आपका आई थिंक आप काबिल तारीफ है. आपने देखिए इस उम्र में 30-32 साल तक आपने इतना रिसर्च किया है. यू नो दिस सब्जेक्ट वेरी वेल, आई मस्ट से. वेल डन. थैंक यू सर. और आपके साथ ये डिस्कशन मेरे लिए भी बहुत इनरिचिंग रहा है. थैंक्स. और मैं ये कहूँगा मेरी लाइफ में भी एक ये कहते हैं ना यादगार एक्सपीरियंस ऐड हो गया कि आपने अपना कीमती समय मेरे साथ बिताया, और वो भी प्रिडिक्ट टू प्लान थ्योरी को और समझने के लिए. बहुत 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 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सीरियसली हमारे लिए भी बड़ी बात है. बाकी रही बात सर मेरी लाइफ जर्नी की, तो हाँ यू आर राइट, आई एम इन अर्ली 30s. और जैसा कि पहले भी बताया कि एक शुरू से एक आर्टिस्टिक एक ट्रेड रहा मेरे. अच्छा. में बचपन से आई वन नेशनल अवार्ड इन सिंगिंग एट द एज ऑफ 7. अरे वाह, दैट्स ग्रेट यार. तब से ही म्यूजिक एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह परस्यू करता रहा. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत. और अभी भी कर रहा हूँ. करीब 4-5 मैंने अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, रिलीज किए हैं. छोड़ो मत यार, अपने टैलेंट को आप और मजबूत बनाओ और उसको. और एज अ स्टूडेंट लाइक अदर मेन सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ. सो आई थिंक 14-15 की उम्र में तो एग्ज़ाम्स के बाद जो वेकेशंस होती थी उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने किसी ना किसी टीचर के पास चला जाता था. wow. तो बहुत टीचर्स से मिला, बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत लोगों से एज अ एक्सपीरियंस भी किया मैंने, अनुभव जिसे कहते हैं लिया मैंने इस सब्जेक्ट को. स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट कह रहा हूँ. तो 4-5 साल मैंने इसको अच्छे से दिए, सिर्फ पढ़ने के, समझने के. और उसके बाद 5 साल पढ़ने के बाद मैंने एक 1-on-1 कंसल्टिंग शुरू कर दी, जिसको आज आई थिंक करीब 12 साल हो गए हैं. wow. जिसमें मैं कंसल्टिंग दे रहा हूँ 1-on-1. तो अब इन दोनों चीज़ों के चलते एक रेगुलर जो मिडिल क्लास इंसान होता है उसको पढ़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक एडिशनल सब्जेक्ट है, म्यूज़िक भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर है. तो मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने MBA करा फाइनेंस में, और MNC में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली शुरू से. आई वॉज लकी, तो उसको अपॉर्चुनिटी को भी अवेल किया.
और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात हुई कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कंपनीज की लीडरशिप टीम के साथ काम करने की, वो भी एज अ स्ट्रेटेजिक असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर प्रेसिडेंट के साथ, फिर कंट्री हेड के साथ, और वो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में. तो मैं एक इंडस्ट्री में नहीं रहा, मैं बैंकिंग से शुरू करी, फिर मैंने मतलब बैंकिंग से करियर की मैंने शुरुआत करी थी, फिर आईटी में मैंने 5 साल आईटी इंडस्ट्री में बिताए, और इवन काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ भी मैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स करता आ रहा हूँ. तो वहाँ पे जो मैंने आई थिंक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस करी वो काफ़ी हेल्पफुल रहा. वंडरफुल. और क्योंकि प्रैक्टिकलिटी एक्सपीरियंस करने के भी लेवल्स होते हैं. अब आप बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप होती है, जो टॉप पे होती है, उनके साथ आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर से देखते हैं, वो सारा जो एक मतलब क्लियर पिक्चर दिखती है. बर्ड्स आई व्यू. हाँ, बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू. और उसमें लीडर्स लीडरशिप के चैलेंजेस दिखते हैं, डिसीजन, एक छोटा सा डिसीजन हजारों लोगों को कैसे इम्पैक्ट करता है. yes, yes, yes. वो दिखता है. और इवन मैं सच बताऊँ, मैंने अच्छी लीडरशिप भी देखी है, मैंने खराब लीडरशिप भी देखी है. पीपल हु डोंट डिजर्व लीडरशिप, मैं उन्हें उनके साथ भी काम किया, सब बर्बाद कर देते हैं. सब बर्बाद भी कर देते हैं. तो फाइनली जब मैंने अपने ये डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट किया, जो मेरा म्यूजिक का था या एस्ट्रोलॉजी का था और ये प्रैक्टिकल लाइफ का था, और इसको ह्यूमन कंसल्टिंग में यूज़ करना शुरू कर दिया, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए. क्योंकि जब मैंने देखा कि हर प्रॉब्लम की वजह प्लैनेट्स या एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है. अब कॉरपोरेट या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी स्ट्रगल कोई फेस कर रहा है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसका रीज़न मोस्टली यही है कि यू आर कॉट इन द रॉन्ग जॉब. तो आप जो काम है वो गलत कर रहे हैं. ठीक है ना. तो इसी तरह इमोशनल इश्यूज का भी रीज़न जो है वो इमोशनल एनर्जीज की गलत चैनलाइजेशन है. और इन सॉल्यूशंस के साथ जब मैंने पर्सनालिटी एनालिसिस और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को जोड़ा, तो एक तरह से ओवरऑल लाइफ प्लानिंग का सब्जेक्ट बन गया, एक टूल बन गया. तो लोग जो कंसल्टिंग के लिए आते थे, दे ऑल्सो हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड सीकिंग वैल्यूएबल सॉल्यूशंस. अनलाइक जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर या प्रिडिक्टिव साइंस के प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट के पास जाते थे, तो किसी भ्रम में या डर लिए घूमते थे या बहुत बड़ी होप लेके आते थे, जिसके बारे में हमने बात भी करी. तो वहाँ से आई हैव रियलाइज्ड कि ह्यूमन लाइफ को लेके मेरा जो नज़रिया है, और इवन आपने क्वेश्चन भी पूछा कि मेरा लाइफ को लेके क्या नज़रिया है, तो वो नज़रिया सिर्फ एस्ट्रोलॉजर वाला नहीं है, और ना ही एक आर्टिस्ट वाला है, और ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल इंसान वाला है, लेकिन इन तीनों का एक आइडियल कॉम्बिनेशन है विच इज़ एप्लीकेबल इन एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ. सो आई थॉट बींग अ लाइफ कोच फुली डिफाइन माई सेल्फ. फैंटास्टिक निपुण, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू बेटा. थैंक यू सर. थैंक्स. वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ रही तुम्हारी एंड अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. वेल डन. थैंक यू सर. अब I would like to know what is your mission. Mission in life. What is your mission statement? Bolo. Okay. Sir, predict to plan ka ek tagline hai. Wo hai fortune favors the brave. Matlab jo nidar hai kismat usi ke saath hai. To ab ye jab meri tagline bani fortune favors the brave. Wah. So जब उससे हम मिशन हम डिराइव करते हैं कि मेरा मैं सोचता हूँ कि मेरा क्या मिशन है, तो मेरा एक ही मिशन है कि जो लोग हैं किसी भी एज ग्रुप के हैं, वो ना तो डरें, ना उपाय करें, वो बस प्रिडिक्ट टू प्लान करें. एक इतनी बड़ी बात कह दी तुमने. यस सर. इजाज़त हो तो मैं एक छोटी सी नज़म कह दूँ. बिल्कुल सर. बिल्कुल. शेर है. बिल्कुल सर. वो आप पे लागू होता है. अच्छा. और उन सब पर जो आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं. शायर ने कहा है, कमाले बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में. पस्त मतलब कमजोर. कमाले बुजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में, थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता. एग्जैक्टली. उभरने ही नहीं देती यहाँ बेमायगी दिल की, वरना कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता. क्या बात है सर. क्या बात है. दैट्स अबाउट यू एंड पीपल लाइक यू. क्या बात है. और सब नौजवानों से कहना चाहता हूँ, दैट इज द राइट स्पिरिट.
That is the right spirit. Thank you, sir. Thank you. Arey jeete raho beta and be brave. Bilkul. Never give in. Kabhi haar nahi maanni. Thank you, sir. Bas aage. Thank you. All the best. Thank you, sir.